भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र का हाल बुरा हो गया है। राजधानी मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारत मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों में आज भी मध्य से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया था। राज्य में लगभग 4,500 लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है और अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 जून से अब तक राज्य भर में बारिश से 65 लोगों की मौत हुई है, वहीं 57 घायल हो चुके हैं। मुंबई में लगातार बारिश के कारण हिंदमाता, दादर, सायन और अंधेरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई और वाहनों को भी आने जाने में मुश्किल हो रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाके में भारी बारिश के कारण रेलवे पटरियों समेत कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे ट्रेन सेवाओं में देरी हुई। साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। IMD ने अगले 4 दिनों में महाराष्ट्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। CM शिंदे ने अधिकारियों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। NDRF की 13 टीमें तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।